भुट्टो का तो अभी दौर भी देखा है। ठीक है ठीक है, भुट्टो को मरवाया मारा। ठीक है अच्छा, उसके बाद फिर बाद में मुशर्रफ का दौर आया, नवाज शरीफ को उतारा, वो मुशर्रफ ने उतारा, फिर उसके बाद कोई भी काम है ना, ये निज़ाम सारे निज़ाम को जकड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं इस सारे निज़ाम को चलने नहीं देते। नवाज शरीफ पे भी झूठे मुकदमे, इमरान खान का भी ऊपर झूठे मुकदमे, सबके ऊपर जितने भी हैं, ये सारा निज़ाम ही के हाथ में है। चले वो तो गया, अब बताएं गरीब, अभी मैं मियानी साहब कब्रिस्तान से हो गया, कम से कम 80,000 से 1,00,000 रुपया खर्चे है गरीब के मरने का। मैं तो गरीब को आटे की लाइन में 1150 का जो आटा है वो बेचारा वो नहीं ले सकता। उसके लोग तमाशा देख रहे हैं ना, ये पॉलिसियाँ इनकी गलत हैं, ये तमाशा देख रहे हैं। गरीब को ऐसे जैसे वो कहते हैं कि कुत्तों के आगे रोटी नहीं फेंक दे, ऐसे फेंक रहे हैं। और यकीन करें इतना बुरा हाल हमने कभी किसी दौर में नहीं देखा। मुशर्रफ का दौर आया ज़रूर है, अच्छा दौर गुजरा। ज़िया का दौर आया ज़रूर है, अच्छा दौर गुजरा, स्टे था, कीमतों में भी स्टे था, लेकिन अब तो यहाँ पे कोई हाल नहीं। अपना बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, आवाम जाए भाड़ में, अपना बचा रहे हैं सब। अब अकेला इमरान खान क्या करे, या तो सारे लोग साथ दें, दिल से साथ दें, सब तो वजारतों के लालच में पड़े हुए हैं। ये चाचा देख रहे हैं, जब भी टाइम आएगा ना। चाचा क्या करते हो आप, ठीक है आपकी बात आगे? हम मजदूरी काट दे भाई। एक अगर बुरा ना माने, ये आपके कपड़े फटे हुए हैं और आप घर भी नहीं बैठे, आप बाहर मजदूरी करने आए, इसका मतलब ये है कि आप मेहनत कश भी हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी आप एक सादा कपड़े नहीं पहन पा रहे। तो गरीब इस वक्त अगर एक बंदा सादा कपड़े नहीं ले सकता, अल्लाह ना करे वो मर गया, उसको 85,000 से 1,00,000 रुपया कहाँ से लाएगा वो? वो चोरी करेगा, डाका मारेगा, बमासी करेगा, ना घर किसी ने लूटेगा, और क्या करेगा? मेरे चाचा की पूरी पड़ती है और क्या, कुछ नहीं बनना, कख भी नहीं बनना। मिट्टी जी आया, मिट्टी अल्लाह पाक ने भेजे ना, तो मिट्टी जाए पावे हो गए पावे ना हो, पैसा ये सारे चोर है, ये सारे चोर है। इमरान खान सने, नवाज शरीफ सने, हज कुदारी सने, ये सारे अपनी मां की दुआ ला रही अल्लाह ने सदके जावा, वाल नहीं मंगा सकता, छुटता वाल नहीं मंगा। कहीं मां जमे हो ना तो केले ठोकर खाए दे ना, ओ मां प्यो ठोकरे जवाब देंदे है, ओ सारी उम्र ठोकरे। चाचू आना ते जलसियां ते जांदे हो नवाज शरीफ इमरान खान ते? किसी ने नहीं किया, अल्लाह सुआ, अल्लाह ने बड़ी कोई चीज नहीं है ना, ना ना शरीफ ना गदारी ना हर चीज। अगर नवाज शरीफ ते इमरान खान अपने जलसियां ते बुला करदे थो है, अंज मेरा खा लो, उदा खा लो, मेरी गद्दी जोड़ो, उन्हें पैसे दे के मेरा नाम ले लो, नहीं 5 करोड़ रुपया ले आओ, केड़े खाते च ले आ जे हां जी, केड़े खाते च ले आ जे, 2 साल का इंग्लैंड आपकी खिदमत करने मुझे एक सवाल का जवाब दे। मरना महंगा आज के दौर में था कि नवाज शरीफ के दौर में, इमरान के दौर में? आज का दौर तो बिल्कुल आसान ही हो गया मरने के लिए, क्या आटे के अंदर लोग मर रहे हैं, ये आटा बेच रहा वही, तुम सस्ता कर दो बाहर दुकानों के ऊपर दे दो ना, पेड़ियों पे लगाओ, औरतें मर रही और पुलिस वाले चपेड़े मार रहे हैं, ये तो इंसानियत है, मुसलमान है ये, कैंसर का मरीज है, अब पहले तो कमर में दर्द था, कैंसर का मरीज, अब मरा क्यों नहीं? आप शुक्र करें वो आपके लिए बीमार है लेकिन फिर भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मेरे मुंह से गालियां निकलेंगी यार रोजे के अंदर, इंसान है वो, इंसान है, सही इंसान नहीं है, चोर है ये, बिरयानी के ऊपर बिकने वाले। सबूत है, कहां चोरी की है? कितने तो खाने क्या, क्या, क्या बताऊं, कहां चोरी की है इन्होंने, किसकी जगह नहीं की चोरी? ये जो वजीरे खजाना आया कितने साल रहा बाहर, वो खान साहब ने जाली केस बनाए हुए थे,
अब 100 कितने केस इमरान खान पे बने हैं? उसने क्या वो जो कत्ल वो खुद कर रहा है, भट्टो साहब को कत्ल किधर, ये फांसी चढ़ाया था किन्हें चढ़ाया था? उन्होंने तो कसूरी को कहा ही था ना, करा तो कसूरी ने था। सरदारी ने कितने मराए? बेनजीर का कत्ल पकड़ा गया, करवाने वाले भी खुद ही है। छोड़ दो यार, क्या बात कर रहे हो आप? कितने लोग मरे अभी जुलूस के दौरान? क्या हुआ? अच्छा मेरी बात सुने, बात जरा जज्बात पे काबू पे। अभी आपको बजाय इसके उनका शुक्रिया अदा करें कि जो महंगाई है, मरना इतना महंगा हो गया, कफन महंगा हो गया। मियां नवाज शरीफ, मेरी बात सुने, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, मादरे जमहूरियत, जमहूरियत की जो इस वक्त जिसे कहते हैं दुख्तरे पाकिस्तान। और कुछ लगाओ किताब साथ उसके, और लगाओ दुख्तरे पाकिस्तान। और मियां शहबाज साहब उधर गए दुआ करने के अल्लाह पाक इस मुल्क के हाल पे रहम कर, इस मुल्क की मईशत को बेहतर कर, इस पे तो थैंक यू कह दे। अपने तो अपने आप का तो वो सुधार ले पहले, अपना हाल तो ठीक कर ले, कौम का तो बाद में करेंगे। कौन सी चीज सस्ती है मुझे ये तो बताएं। कुछ एक आदमी 800 रुपए का मुलाजिम है, रेड़ी के ऊपर काम कर रहा है, दो बच्चे, मकान है किराए का, माँ बाप है, वो कहाँ से लाएगा खिलाने के लिए? पीछे अभी 3 महीने पहले ठोकर नियाज बे पे 3 बच्चे, 1 औरत और 1 मियाँ इंतकाल करके जहर के साथ। क्यों 4 दिन से बेरोजगार? मोहल्ले वाले पूरे आगे कफन डालने के लिए, किसी ने ये आके नहीं कहा कि तू रोटी ले ले। ये हुकूमत है, ये हुकूमत है। किस हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? किसी अदारे में चले जाएं, सब इकट्ठे करें, बगैर पैसों के काम होता ही नहीं है। आपके पास सीट आ गई है ना, 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, आप भी कहेंगे रात को मुझे पैसे मिले। जबरे पाकिस्तान रहते हैं, ये सिर्फ नाम है, आवाम के लिए कोई नहीं है। अवाम अपनी मदद आप चल रही है। 1110 रुपए का आटे का थैला करा इन्होंने, जायज है? आप बताएं, जायज है? मुसलमान है आप, जायज है? एक 4 बच्चे हैं जिसके 1000 रुपए मजदूरी ले रहा है, वो कहाँ से करेगा मुझे बताएं आप? मकान मालिक तो आगे दरवाजा खड़खाता, ले आओ जी बिजली का बिल जमा नहीं हो, आगे मीटर काट लेते, नहीं करेंगे तो कहेंगे जी चोरी कर रहे हैं, पर्चा करवा देते हैं। ये थोड़ी बताए ना मुझे, तो घर में अल्लाह ना करे मौत हो जाए फिर कितना खर्चा चाहिए? तो लोग चलने वाले इकट्ठा करके देते, किसके पास निकलेगा? आपके पास एकदम निकलेगा, आप मजदूर आदमी होंगे तो मोहल्ले वाले इकट्ठा करेंगे ना। गवर्नमेंट का क्या काम है? कब्र खुदवाने जाओ, रेट बढ़ गया। किसने बढ़ाया? मैंने बढ़ाया? आपने बढ़ाया? बताए ना। शरम, शरम। तेल महंगा, हर चीज तो महंगी है यार, किसके ऊपर आप बहस कर रहे हैं? सर वो कहते हैं इमरान घर में बैठ जाए, खामोश हो जाए, हम हर चीजें सस्ती कर देंगे। उसने तो अभी तकरीर के अंदर कहा था कि आपके पास लाए वाले तो मुझे बताओ, मैं पीछे हट जाता हूँ। क्यों नहीं बोले? वो एक बंदा तेरा, तो भाई मैं किसी पार्टी से तलक नहीं रखता, एक एक बंदा तेरा पार्टी है, पूरे जितने अदारे हैं सब उसके पीछे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, अल्लाह ने बचाया हुआ। अब बताओ इसको क्या कहेंगे आप? इसको इनके 700 बॉडी गार्ड है, 150 कमांडर, 150 कमांडर लगा हुआ है मरियम के, उनके इलाके की लाइट नहीं जा रही, रोड बिल्कुल क्लियर है, गरीब आदमी तो मर रहा है यहाँ, पानी इकट्ठा हुआ। तो आप दुआ करें अल्लाह ने जिंदगी दे ताकि दो दुआवां कीतियां सी, एक नमाज ना छड़ना ते एक मेरी है गरीब दे उम्मत मरीज जेड़े मजदूर सारा जुलम है इन्होंने कर रहे ने। केड़ा बंदा है जो सही जिन्हें कोई पैसा गा और रोटी खा रहे ना, कोई बच के तो मुलाजम दे देना, ये तो इंसानियत है। बारा अस्सलाम वालेकुम, वही गल की है मीडिया ते भगत चला भी देना, वादा आगे चलेगी। रात कब्र छे ना, और रात कब्र छे ओदे ने लाख रुपया चाहिदा ही, और छड़ दे लाख, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। सरकार का खर्चा कौन दे? अल्लाह देगा लाख रुपया, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। ए शैतान नहीं देंगे, कुछ नी किया हसके मुस्कुरा के चल दी, क्यों उत्थे कानून है? तो कानून नहीं ना, मुसलमान मुल्क है सारे।